सभी को जय मसीह की। मैं हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ आज के हमारे व्याख्यान में। आज फिर से दोबारा हम इकट्ठा हुए हैं मन फिराव और विश्वास इस विषय में सीखने के लिए। सच में परमेश्वर ने हमें बहुत ही अनुग्रह दिया है कि हम ऐसे हर रोज मिल पा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्ययन बस कोई ज्ञान पाने के लिए नहीं, बल्कि सच में परमेश्वर का जो सच्चा मन है उसको जानने के लिए हम परमेश्वर का ये वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। विशेष करके ये मन फिराव और विश्वास जो है वो हमें ऐसे अद्भुत बातों को सिखाता है कि कैसे मैं परमेश्वर के मन के साथ में एक हो सकता हूँ, परमेश्वर के मन से जुड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं दोबारा आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में भाई बहन जूम से भी जुड़े हुए हैं और यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं। इन दिनों में हम फेसबुक पर हमारे इस लाइव वीडियो को नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ जूम और यूट्यूब के द्वारा ही हम ये वीडियो कर पा रहे हैं। आगे जाकर ये वीडियो हम यूट्यूब फेसबुक पर भी डालेंगे, तो इसलिए आप आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं, और सच में वो भी हमारे साथ में इस प्रकार इस अध्ययन में शामिल हो सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस जो हमारे आज के व्याख्यान की जो शुरुआत है वो शुरुआत हम प्रार्थना करके करेंगे। तो इस समय में हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, तो मैं आप सबसे पहले तो पास्टर रविंद्र काले जी इनसे विनती करना चाहूंगा। पास्टर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, पास्टर जी, क्या आप हमारे लिए प्रार्थना करके आज के इस व्याख्यान की शुरुआत कर सकते हैं? जी, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, आप तेरे नाम को मान महिमा करो आज और हमेशा के लिए। परमेश्वर, तो आज का दिन हमको सबको दिखाए और तेरे वचन में अध्ययन में वो जुड़ने के लिए तू मौका दिया, इसलिए मैं आप सब आपको धन्यवाद करता है। जो सब भाई बहन इसमें जुड़े हैं उनको आशीष कर परमेश्वर, और जो हम टीचर हमको सिखा रहे, पास्टर सिखा रहे, उनको सहायता कर परमेश्वर, और तो उनके मुंह से तू अपना वचन हम सबको दे परमेश्वर। ये सब हम सुन के वो हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करके दूसरे को ये वचन तेरे बताने के लिए हमारे मौजूदगी कर परमेश्वर। आने वाले दिन में ये सब कार्य, सुसमाचार का कार्य हम सबसे तू करते भी। ये छोटी सी दुआ तेरे पुत्र के नाम से करता है। आमीन आमीन। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आपने हमारे लिए प्रार्थना की। सच में हमें बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत है, आप सभी लोगों की प्रार्थनाओं की, आप सभी लोगों के मदद की भी जरूरत है इस सारे कार्यक्रम को करने के लिए। क्योंकि जैसे कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम सच में नहीं चाहते थे, बहुत ज्यादा बाधाएं भी उत्पन्न हुई इस व्याख्यान को करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम लगातार आपसे जुड़ पा रहे हैं। इसलिए कुछ चीजें हमने इस जूम से भी हमारे साथ में जुड़ते समय थोड़ी बदली है। जैसे कि आप जब भी इसमें आते हैं आप डायरेक्टली हमारे जूम के इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाते, बल्कि हमारे वेटिंग रूम में शामिल होते हैं। तो जहाँ पर हमारे कुछ भाई बहन हैं वो उन्हें, जो लोग हमारे सच में सुनने के लिए आए हुए लोग हैं, उनको अंदर प्रवेश करने देते हैं। तो अगर थोड़ा सा आपको आने के लिए समय होता है या फिर प्रवेश करने का थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें करना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम सभी लोग अच्छे से वचन को सुन सके। और एक मैं विनती करना चाहूंगा विशेष करके जो हमारे साथ में जूम से जुड़े उन भाई बहनों से, कि अगर आप आपके वीडियोस ऑन रख सकते हैं तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम आपको सही रीति से देख पाएंगे, आपके साथ में संगति भी अच्छे से हो पाएगी, और कोई अनचाही चीजें ना हो इसके लिए भी हम सब जान पाएंगे। तो इसलिए मैं विनती करूंगा हमारे सभी भाई बहनों से कि अगर आप आपका वीडियो ऑन करते हैं, और फिर ये जो लेक्चर है बस जूम पे ही नहीं है, यूट्यूब पर भी है, तो भले अगर कुछ बातें आप अभी ना समझ पाए हो तो बाद में आप यूट्यूब के द्वारा भी उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत लोगों ने हमसे ये विनती की कि पास्टर जी ये जो अध्ययन चल रहा है अभी
यूट्यूब पर भी हो या फिर जूम पर हो, इस अध्ययन को बस कुछ समय के लिए सीमित ना रखिए, मतलब सिर्फ कोरोना के समय तक ही सीमित ना रखते हुए आप आगे भी जारी रखिए, ताकि हम भी बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा सके और लोगों को सुसमाचार समझने में मदद हो, आसानी हो इस तरीके से। तो जैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, जरूर इसे हम शुरू रखना चाहेंगे और इसके द्वारा बहुत कुछ अनुग्रह हमने भी पाया है। विशेष करके मैंने परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हुए हर बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं मैं। हाँ, परमेश्वर का इतना गहरा मन, इतना अद्भुत मन इस वचनों में छिपा हुआ है। उस मन से मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे पौलुस कहता है, मैं तीसरे स्वर्ग तक पहुंच कर आया, हालांकि शरीर से तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरा मन वचनों का अध्ययन करते हुए ऐसा लगता है सच में परमेश्वर के सामने उस स्वर्ग के राज्य में है, परमेश्वर के सामने आमने सामने ऐसे बात कर पा रहा हूँ, उसके मन को जान पा रहा हूँ। ये बहुत ही अद्भुत ऐसी बात है। तो मैं आशा करता हूँ हमारे साथ में जुड़े हुए सभी भाई बहन परमेश्वर के उसी अनुग्रह को पा रहे हैं। क्या आप अनुग्रह को पा रहे हैं सच में हमारे व्याख्यानों के द्वारा? तो हाथ ऊपर उठा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र आत्मा से मदद करने की जरूरत है, ताकि उसके वचन को हम समझ सके और जान सके। आइए आज के इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे। पिछले दो बार हमने जो है ये मन फिराव और विश्वास इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पिछले दो बार में हमने अय्यूब का मन फिराव इसके विषय में अध्ययन किया। ये अय्यूब का मन फिराव बहुत गहरी बातों को लोगों हम तक पहुंचाता है, इसलिए दो लगातार लेक्चर उसके बारे में हमने बात की और आज का लेक्चर भी उसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि अय्यूब का मन फिराव में परमेश्वर ने ऐसी बातें सिखाई है कि जिसको मनुष्य के ज्ञान से या मनुष्य के कंसेप्ट से समझा नहीं जा सकता या जाना नहीं जा सकता। इसे सच में परमेश्वर के मन से देखकर परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में की हुई घटनाओं को अगर सच में परमेश्वर की ओर से देखेंगे तो उसका मतलब जान सकते हैं। हम अय्यूब के बारे में बात करते हैं, कितनी बार तो ये बोला है कि अय्यूब का स्वरूप जो पहले और दूसरे अध्याय में दिखता है वो ऐसा स्वरूप अय्यूब का असली मन नहीं है। बाद में जाकर उसका असली मन धीरे 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 करके प्रकट होता है, लेकिन अय्यूब किसी की सुनता नहीं है। अय्यूब किसी की सुनता नहीं है। क्यों अय्यूब ऐसा हो गया है और ऐसे अय्यूब को परमेश्वर इतनी मुश्किलें क्यों होने दे रहा है? परमेश्वर की इजाजत से तो ही ऐसे मुश्किलें आई है ना, ऐसी कठिनाई आई है। अय्यूब के सारे बच्चे मारे गए, उसकी सारी जायदाद चली गई, सब कुछ खो दिया। परमेश्वर की इजाजत से ही वो सब इतना सब कुछ वो उसने खो दिया है। तो क्यों परमेश्वर उसको ऐसा चलाना चाहता है? क्यों परमेश्वर उसको ऐसा इस रीति से उसको कर रहा है? इसका कारण एक ही है कि परमेश्वर अय्यूब के मन से मिलना चाहता है। अय्यूब और परमेश्वर ये एक साथ मिल सके, इसके लिए परमेश्वर इन बातों को करते हुए हम देख सकते हैं। आज भी इसको हम वचनों के द्वारा और गहराई से जानेंगे कि कैसे परमेश्वर अय्यूब से मिलने के लिए इन सारी बातों को कर रहा है। तो शुरुआत में हम पहले वचनों को पढ़ेंगे। आइए अय्यूब का 42 अध्याय खोलेंगे। पिछले दो व्याख्यानों में वही अध्याय हम पढ़ रहे, लेकिन उसमें ऐसी बातें हैं जो हम विस्तार से जानना जरूरी है, इसलिए अय्यूब उसका 42 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। अय्यूब का 42 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक, क्या हमारे लिए कोई पढ़ सकेगा? जी जी, सारी का भगत वहां पर जो भाई है। जी जी भाई, क्या आप हमारे लिए पढ़ सकते हैं? अय्यूब का 42 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था,
परंतु अब मेरी आंखें तुझसे देखती है, इसीलिए तुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो इस वचन में हमने पढ़ा, ये अय्यूब क्या यहाँ पर कहता है, मैं पश्चाताप करता हूँ, धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब ये धूल और राख में पश्चाताप क्यों कर रहा है, अय्यूब को पश्चाताप करने की जरूरत क्या है, इसको हमने पिछले बार भी बात की, लेकिन विस्तार से जानने के लिए सच में अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पश्चाताप करने की जरूरत है, क्या क्यों जरूरत है। अय्यूब के अगर आप शिकायतों को देखेंगे, ये सारी शिकायतें जो अलग अलग अध्यायों में वो रख रहा है, भले अपने दोस्तों के सामने हो या बहुत सारे लोगों के सामने जो शिकायतें रख रहा है, उस शिकायतों को रखते समय वो यही कह रहे, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझसे मैं इस काबिल नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ कि मेरे साथ में इतना बुरी बातें हो रही है, मैंने क्या ऐसा खराब किया है, किसके विषय में मैंने बुरा किया है कि परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। तो अय्यूब के तीन दोस्त भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं अय्यूब तूने कुछ तो दुष्टता की ही है, तुझमें कुछ तो बुराई है, ये बुराई के वजह से परमेश्वर तुझे ऐसा दंड दे रहा है। आमतौर पर मनुष्य के पास में ऐसी सामान्य सोच रहती है ना, सही कि नहीं, आपके साथ में भी, हमारे भाई बहन जो यहाँ पर जुड़े हैं, आपके साथ में जब कुछ बुरा होता है सबसे पहले क्या सोच आती है, मैंने क्या गलत किया कि मेरे साथ में ऐसा बुरा हो रहा है, सही कि नहीं, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है, मैंने कौन सी दुष्टता की है कि मेरे साथ में इस प्रकार से इतनी बुरी बुरी बातें हो रही है या इतनी मुश्किल का सामना मैं कर रहा हूँ। कहीं कुछ कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं ना, पिछले जन्म का पाप तो नहीं है ना, कुछ पहले किया हुआ ऐसी दुष्टता, ऐसे चीज से इस चीजों के कारण मैं अभी तकलीफ में तो नहीं जी रहा हूं ना, ऐसे सोचकर जीने वाले लोग बहुत होते हैं। लेकिन ये है ना, ये मनुष्य की सोच है, मनुष्य ऐसा सोचता है। मैंने भी जब उद्धार पाया, मैंने 2009 साल में उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद में मैंने क्या जाना, परमेश्वर ने कैसे यीशु मसीह के द्वारा मेरे सारे पापों को धो दिया और मुझे धर्मी ठहराया है, तो इस बात को जानकर मैं बहुत खुश हुआ। असल में हमारे घर में मैं ही ऐसा व्यक्ति था जो ज्यादा चर्च में नहीं जाता था, जो परमेश्वर पर इतना विश्वास नहीं करता, मेरे अलावा बाकी के लोग जो थे, चाहे वो मेरी माँ हो या मेरी बहन हो, वो चर्च में बहुत जाते थे, इतना तक कि मेरी बहन बहुत दिनों तक उपवास रखती थी और मुझसे नहीं होता था वो। तो जब मैंने जाकर ये बात जाना, यीशु मसीह ने मेरे लिए किए हुए इस काम को जब मैंने जाना, मैं इतना खुश था कि मैं बताना चाहता था, तो मेरी माँ से मैं बताने लगा, मेरी बहन को मैं बताने लगा, लेकिन बहुत अजीब बात कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे थे शुरुआत में, विशेष करके मेरी बहन शुरुआत में इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मेरी माँ को भी जब मैंने पहली बार ये मैं उद्धार पाने के बाद में जब मैं मिला, उस समय मैं माँ को बताने लगा, माँ तुम्हें पता है यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को धो दिया है, मुझे आज तक पता ही नहीं था, मैं चर्च में इतना समय के लिए गया लेकिन मुझे पता ही नहीं था यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने, मैंने जब ये बात कही, मुझे पता नहीं था कैसे बताना होता है या सुसमाचार प्रचार करना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने जस्ट मुंह खोलने लगाया और बोलने लगाया, और वो बोलते बोलते मैं यीशु मसीह के बारे में बातें मेरी माँ को भी बता रहा था, सबको बता रहा था। लेकिन बाद में जब मेरी माँ ने अच्छे से सुसमाचार सुना, एक पास्टर के द्वारा सुसमाचार सुना, तब मेरी माँ ने सबसे पहले उसका मन व्यक्त किया। मुझसे ये बात सुनने के बाद में मेरी माँ इस सोच में गिर गई, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरे पाप सच में क्षमा हुए हैं, क्या यीशु ने सच में मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिया है, क्यों, क्योंकि अब तक किस सोच में रहती थी। मेरे पिताजी, मैं जब 10 साल का था तभी गुजर गए, 2000 साल की बात है, तभी मेरे पिताजी गुजर गए, तो मेरी माँ के अंदर हमेशा ये क्या सोच रहती थी, शायद से मैंने कुछ तो ऐसा बुरा काम किया है, शायद से मुझसे कुछ मैंने कुछ ऐसा पाप किया है जिसके वजह से परमेश्वर मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है, इतनी कम उम्र में मेरे पति गुजर गए हैं, तो ये मेरे किसी न किसी बुरे काम की वजह से ऐसा हुआ है, ये सोच से मेरी माँ बाहर नहीं आ सकती थी। इसलिए जब उसने सुसमाचार सुना, यीशु मसीह ने उसके लिए किए हुए कामों को सुना, ये सोच उसके मन में बहुत टकरा रही थी, नहीं फिर मेरे साथ में ये सारी बातें जो हुई है, कहीं ये मेरी बुराई की वजह से तो हुई है ना, फिर कैसे यीशु ने मेरे सारे बुराई पापों को क्षमा कर दिया, ऐसे कैसे मैं मानूं। हम ज्यादातर करके, हमारे यहाँ पर जो हम सब मनुष्य, हमारे साथ में जुड़े भाई बहन भी, जब कुछ बुरा होता है तो अचानक से ऐसी सोच आ जाती है कि मेरी वजह से ऐसा, मैंने कुछ ऐसा बुरा काम किया है इसलिए मेरे साथ में ऐसा बुरा हो रहा है। मैं अक्सर ये उदाहरण हमारे भाई बहनों को देता, हम लोग परमेश्वर पर कैसे विश्वास करते पता है, जैसे कि मानो हम
रास्ते पर से चलते हुए जा रहे हैं, रास्ते पर से चलते हुए चलते हुए चलते जाते समय अचानक से रास्ते पर गिरी हुई एक 500 रुपए की नोट दिखाई देती है, 500 रुपए की नोट। तो 500 रुपए की नोट दिखाई देते हुए आप क्या करते हो, उसको उधर ही पड़े रहने देते हो क्या? हाँ पड़े रहने देते हो? नहीं ना, उसको उठा के जेब में डाल देते हो। क्यों? अरे यार 500 रुपए की नोट परमेश्वर ने मुझे दी है, मुझे देखने लगा ये परमेश्वर का आशीष अनुग्रह है इसलिए मुझे मिला है। तो 500 रुपए की नोट उठाकर जेब में रखते समय तो अनुग्रह है, वाह आज परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया, मुझे रास्ते पर 500 रुपए मिल गए। ये नहीं सोचते जो जिसने खोया होगा कितने दर्द में होगा, बस यही सोचते हैं कि मुझे मिला ना बस। तो उसे रखते हुए बहुत खुशी में होते हैं, बहुत आनंद में होते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब जाते हैं, आगे बढ़ते हुए समझो चल रहे हैं, मस्त जेब में अच्छे से 500 रुपए की नोट रखी है, खुश है, सीटी बजाते हुए आगे चलते 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 जा रहे हैं और सामने से एक मोटरसाइकिल आकर आपको टकरा जाती है। मोटरसाइकिल टकरा जाती है और पैर टूट जाता है, आपको पैर में प्लास्टर लगाना पड़ता है। कुछ दिनों पहले मेरा पैर टूट गया था, तो उस समय मैंने भी प्लास्टर लगाने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था। तब सबसे पहले क्या सोचाती है, क्यों परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा करता है, ऐसा क्या बुरा काम किया है, क्या ऐसी दुष्टता मेरे द्वारा हुई है कि परमेश्वर मुझे ऐसा कर ऐसा ऐसी परिस्थिति का सामना करने लगाता है। मतलब हम ऐसे जीवन जीते जब मेरे साथ में कुछ अच्छा होता है तो परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, और जब मेरे साथ में कुछ तो बुरा होता है परमेश्वर मुझे श्राप दे रहा है, या परमेश्वर मेरे पापों का दंड मुझे दे रहा है, मेरे पापों का दंड देने के लिए मुझे मेरा पैर तोड़ रहा है, या मुझे फेल होने दे रहा है, या कुछ होने दे रहा है। भाई बहनों, हमारे पापों का दंड इतना आसान नहीं है कि बस हमारे पैर टूटने से हमारे पापों का दंड मिट जाए। हमारे पापों का दंड क्या पता है, बाइबल में रोमियो के 6:23 में लिखा है ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु। पाप की मजदूरी पैर टूटना नहीं है, पाप की मजदूरी कुछ तो बुरा होना नहीं है या चींटी काटना नहीं है, ये पाप की मजदूरी नहीं है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर हमारे पाप का अगर दंड उसे हमें देना है तो उस दंड को सिर्फ कुछ बुराई मेरे साथ में होने देकर वो दंड नहीं देता, वो मुझे मार ही डालेगा, मैं जी नहीं सकता, अनंतकालिक नरक में अनंतकालिक मृत्यु में ही जाकर उस पाप का दंड पूरा होता है। तो पाप का दंड ये नहीं है कि मैं मेरे साथ में कुछ बुरा हो, लेकिन ये अय्यूब से मिलने के लिए आए हुए दोस्त जो है ना, ये दोस्त भी क्या सोच रहे हैं, अय्यूब के साथ में इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, मतलब पक्का अय्यूब ने कुछ ना कुछ तो बुरा किया। ये एक सामान्य सोच है, आमतौर पर लोग यही सोच रखते हैं कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, इसने बुरा किया है, इसके काम बुरे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर इसको इतना तकलीफ दे रहा है। तो अय्यूब उनसे लड़ रहा है, नहीं मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, परमेश्वर ने मुझे निशाना बनाया है, परमेश्वर ने मुझे दुश्मन ठहराया। लेकिन इस अय्यूब की पुस्तक में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन को जानता है और परमेश्वर के मन को सटीकता से अय्यूब को बताता है। वो व्यक्ति कौन है पता है? एलीहू। ये तीन दोस्तों में से एक नहीं है, अलग ऐसा व्यक्ति है जो वहां पर खड़े रहकर इन लोगों की बातें सुन रहा था और देख रहा था कि ये लोग अय्यूब को क्या बताते हैं, कैसे बातें चलते हैं, सच में ये अय्यूब को उसके मन के बारे में सटीकता से बता पाते हैं या नहीं। ये देखते 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 आखिरकार इतना परेशान हो गया, सहन नहीं कर सका, क्योंकि ना तो अय्यूब जो बोल रहा है वो सही है, ना तो अय्यूब के दोस्त जो बोल रहे हैं वो सही है, कब तक इनकी बातें मैं ऐसे सुनता रहूं। इसलिए आखिरकार मुझे 33 अध्याय से ये जो एलीहू जो है वो बात करने लग जाता है और एलीहू सटीकता से बताता है क्यों अय्यूब के जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों परमेश्वर अय्यूब के जीवन में ऐसा क्या करना चाहता है, ऐसे कौन से कामों को करना चाहता है कि अय्यूब के जीवन को परमेश्वर इस रीति से चला रहा है। आइए बाइबल में देखते हैं एलीहू ने कुछ कहे हुए शब्दों को। हम अय्यूब के 33 अध्याय को खोलेंगे, 33 जोब चैप्टर 33 अय्यूब का 33 अध्याय उसका 8-12 वचन, 8-12 वचन। जी कोई पढ़ेगा? सिस्टर सुनीता पढ़ना चाहते हैं, सिस्टर सुनीता आप हमारे लिए पढ़ सकते हैं। जी नमस्ते। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख वह मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांव को काट में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर
मनुष्य से बड़ा है। जी, यहाँ पर एलीहू अय्यूब के मन को एकदम ऐसे जैसे कि समराइज करके बता रहा है, अब तक अय्यूब का मन किस रीति से इस अय्यूब की पुस्तक में प्रकट हुआ है, इसको समराइज करके बता रहा है। लेकिन अजीब बात क्या पता है, ज्यादातर लोग इसे देख ही नहीं पाते, अय्यूब का मन ऐसा है ये देख ही नहीं पाते। जो एलीहू ने देखा और जो एलीहू देखकर इसको बता रहा है, आज भी बाइबल पढ़ते हुए लोग इसे नहीं देख पाते। इसलिए आमतौर पर जब मैं बहुत सारे लोगों से या फिर वक्तों से इसके बारे में बात सुनता हूँ, वो अय्यूब को बस एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करके जीने वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है। लेकिन अय्यूब परमेश्वर अय्यूब को एक अलग रीति से देखता है, जो एलीहू यहाँ पर बोल रहा है। क्या बोलता है एलीहू 33:8 में, यहाँ पर एलीहू कहता है कि मैंने तेरी बातें सुनी है, तू क्या कह रहा है इस बात को मैंने सुना है, ऐसा कहता है। और अय्यूब क्या कह रहा है 9 में, मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। ये अय्यूब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। अय्यूब बोलते हैं मुझ में कोई मैंने कुछ गलती की ही नहीं है, मुझ में कोई कलंक ही नहीं है, मैं निष्कलंक हूं। फिर भी 10 में क्या कहता है, देख वो मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है 10 में, परमेश्वर के बारे में ना। 9 में वो कहता है मैं तो निरपराध हूं, मैं तो निष्कलंक हूं, लेकिन परमेश्वर मुझसे झगड़ने के लिए दाव ढूंढता है और मुझे शत्रु मानता है। ये अय्यूब का समराइज्ड मन है, संक्षिप्त में उसका मन बताया जाए तो ये मन है उसका कि मैं तो सही हूँ बाबा, लेकिन परमेश्वर ये जो मुझसे झगड़ना चाहता है, परमेश्वर ये जो मेरे साथ में बुराई कर रहा है, परमेश्वर ये जो मुझे शत्रु मानकर ऐसा मेरे साथ में बर्ताव कर रहा है। 11 में, वह मेरे दोनों पाओं को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने मुझे ऐसे बांध के रखा है, इतना तकलीफ दे रहा है। मतलब अय्यूब के लिए परमेश्वर तकलीफ देने वाला, टॉर्चरर के जैसा है, जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, लेकिन मैं निष्कलंक हूं, मैं सही हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इस प्रकार का मन अय्यूब के पास है। और 12 में एलीहू उसको क्या कहता है, देख मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है। यहाँ पर सच्चा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है यू आर नॉट राइचियस, राइचियस नहीं है तू, धर्मी नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तो अय्यूब के मन की सबसे बुनियादी समस्या क्या है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? अय्यूब अपने आप को सच्चा मानता है, अय्यूब अपने आप को धर्मी मानता है, इतना धर्मी कि परमेश्वर से भी बड़ा धर्मी है, परमेश्वर से ज्यादा धर्मी मानता है, परमेश्वर से ज्यादा सच्चा मानता है। और इस बात को एलीहू ने देखा, जाना, और यही कहता है कि अय्यूब तू परमेश्वर से सच्चा नहीं है, तू परमेश्वर से धर्मी नहीं है, कैसे तू परमेश्वर से धर्मी बन सकता है? तो तेरे जीवन में परमेश्वर ने सारी चीजें दी है, इसका कारण एक है, इसका कारण है। आज सुबह में जब मैं अध्याय पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया, अरे परमेश्वर ने अय्यूब को सुसमाचार प्रचार किया। आज मैं पहली बार मैंने देखा अय्यूब को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार परमेश्वर ने प्रचार किया। वो कहां पर देख सकते, आइए इस वचनों को और आगे पढ़ेंगे, 33:19 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा हमारे लिए? जी सिस्टर सुनीता ही पढ़ सकते हैं। मनुष्य की धारणा होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है, उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छोड़ती का दाम मिल गया है। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए, तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों क्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे नहीं दिया गया।
यहाँ पर मुझे लगता है आपको हिंदी में इसे थोड़ा समझना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन मैं इसको एक एक करके अध्ययन करना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो एलिहू ने अय्यूब को बताई है। ये परमेश्वर अय्यूब के जीवन में ताड़ना देने की वजह क्या है, यहाँ पर सटीकता से देख सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते क्यों, अय्यूब को भी देखकर समझ नहीं पाते अय्यूब इतना अच्छा व्यक्ति फिर उसके जीवन में मुश्किलें क्यों है, और खुद को भी देखकर समझ नहीं पाते मेरे जीवन में तकलीफें क्यों है, मेरे जीवन में ऐसे दर्द या पीड़ाएं, ऐसी सारी चीजें जो असलियत में मुझ पर होनी नहीं चाहिए वो चीजें मुझ पर क्यों है, क्यों। 19 वचन में मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है कि उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। ये ताड़ना अय्यूब की हुई, अय्यूब इस दशा में पहुंचा कि उसके हड्डी हड्डी में झगड़ा हो रहा था, उसको वो इतना दर्द में था, इतना पीड़ा में था। ऐसा होने का कारण क्या है, यहाँ तक कि उसके प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है, उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। ये अय्यूब की अवस्था अब तक हुई है। 22 वचन, तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। अभी इस दशा में मनुष्य जब सच में मृत्यु तक पहुंचता है, मृत्यु तक पहुंचाता है परमेश्वर मनुष्य को, ऐसी दशा में पहुंचाता है जहां पर ना तो उसमें कोई ताकत रहती है ना तो कुछ भी रहता है। क्यों पता है, ये मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से सच्चा कहता है, अपने आप को परमेश्वर से सही कहता है, अपने आप को परमेश्वर से धर्मी कहता है, तो परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा मनुष्य को गुजार कर लाता है और क्या दिखाना चाहता है। 23 वचन हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यदि उसके लिए कोई बिछवाई स्वर्गदूत मिले जो हजार में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। इसे मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा इस वचन को आप में से, और इसके बारे में बात करूंगा। इफ देर इज अ मैसेंजर फॉर हिम अ मीडिएटर वन अमंग अ थाउजेंड टू शो मैन हिज अपराइटनेस, His uprightness। यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए शब्द से मैं तो अच्छे से नहीं समझ सका, इसलिए मैंने इंग्लिश से इसे आपको समझाना चाहा कि मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, मनुष्य के लिए क्या ठीक है ये बात नहीं बताना चाहता परमेश्वर। परमेश्वर हमारे बीच में एक ऐसा मैसेंजर देना चाहता है, एक ऐसा मीडिएटर, मीडिएटर को क्या कहते हैं हिंदी में, मध्यस्थ, एक ऐसा मध्यस्थ देना चाहता है जो हजारों में एक हो, जो बहुत ही रेयर हो, बहुत ही मतलब मिलने के लिए इतना आसान नहीं हो, ऐसा मीडिएटर देता है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई, उसका अपराइटनेस, उसकी धार्मिकता को दिखाए। उसकी धार्मिकता मतलब किसकी धार्मिकता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी धार्मिकता, परमेश्वर की सिद्धाई, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का अपराइटनेस जो है, परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना सच्चा है। परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश है, धर्मी न्यायी न्यायाधीश है, वो कभी भी अन्याय से कुछ नहीं करता। ये परमेश्वर की सच्चाई को, ये परमेश्वर की सिधाई को, उसके इस धार्मिकता को मनुष्य को दिखाने के लिए परमेश्वर एक मीडिएटर रखता है। मीडिएटर, ये मीडिएटर कौन हो सकता है, यहाँ पर ये एलिहू बिल्कुल एक मीडिएटर के जैसा काम कर रहा है, जो अय्यूब और परमेश्वर के बीच में रहकर अय्यूब को समझाना चाहता है कि अय्यूब देख परमेश्वर का ये मन है। अय्यूब कहता है मैं परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता, उसके सामने खड़ा रहूंगा तो जिंदा नहीं रहूंगा, तो इसलिए एलिहू कहता है मैं हूं ना, मैं तेरे सामने खड़ा रहता हूं, तू मेरे से बात कर सकता है, तो मैं तेरे लिए परमेश्वर की तरफ से बात करूंगा। तो ऐसा मीडिएटर अय्यूब को क्या बताना चाहता है कि वो कितना, परमेश्वर कितना सच्चा है, कितना धर्मी है। 24 वचन में हम थोड़ा पढ़ेंगे, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है उस गड्ढे में जाने से, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है, छुड़ौती का दाम मिल गया है। इसे इंग्लिश में फिर से पढ़ूंगा। देन ही इज ग्रेशियस टू हिम एंड सेज डिलीवर हिम फ्रॉम गोइंग डाउन टू द पिट, आई हैव फाउंड अ रैंसम। परमेश्वर इस नष्ट होने वाले व्यक्ति को की तरफ क्या कहता है, उस मध्यस्थ की बात सुनता है, वो मध्यस्थ की बात सुनकर क्या कहता है कि इसको गड्ढे में जाने से रोक दे, इसे नाश की तरफ जाने से रोक दे, उसमें से बाहर निकाल, उस गड्ढे में से बाहर निकाल। क्यों? क्योंकि मुझे छुड़ौती का दाम मिल चुका है। उसके लिए जो छुड़ौती का दाम है, रैंसम है, रैंसम, रैंसम मतलब इसके जगह पर किसी और ने कीमत चुका दी है, छुड़ौती दे दी है।
आपने आप पिक्चर तो देखते ही होंगे, पिक्चर में जैसे कभी कई बार कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है या कुछ ऐसे सीन जब होता है ना, तो किडनैप करने के बाद में किडनैपर्स क्या मांगते हैं, और फिरौती मांगते हैं ना, छुड़ौती मांगते हैं, फिरौती मतलब हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे लेकिन इसके बजाय इसके जगह पर आपने हमें कुछ तो देना चाहिए। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे भी इसके छुड़ौती का दाम मिल चुका है, आई हैव फाउंड अ रैंसम, मुझे इसके छुड़ौती का दाम मिल चुका है, इसलिए इसको नष्ट होने से रोक दे और इसको उस गड्ढे में से निकाल दे। और 25 वचन में उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौटाए। 26 वचन, तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य जो कत्यो धर्मी कर देगा। ये 26 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर से एक बार आपकी बाइबल में आप जरूर पढ़िए, मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा ये 26 वचन। ही शैल प्रे टू गॉड, ही शैल मतलब कौन, ये जो अय्यूब है या फिर कोई भी व्यक्ति जो गड्ढे में जा रहा है, जिसको परमेश्वर उसके मेडिएटर से, उसके मध्यस्थ से छुड़ाता है, बचाता है, वो क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति, समझो मैं हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तो वो खुश होगा, ही विल डिलाइट इन, परमेश्वर खुश होगा जब उसने गड्ढे से बचाया है। गड्ढे से बचाने के बाद में जब ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर खुश होगा और वो उसे ही शैल सी हिज फेस विथ जॉय, वो परमेश्वर को आनंद से देख पाएगा। फॉर ही रिस्टोर्स टू मैन हिज राइटियसनेस, ही रिस्टोर्स टू मैन हिज राइटियसनेस, वो मनुष्य को उसकी धार्मिकता देता है, उसकी धार्मिकता देता है। हिंदी में कैसा लिखा है, और वह मनुष्य को जो का त्यो धर्मी कर देगा, क्या कर देगा, धर्मी, राइचियस कर देगा। मतलब परमेश्वर मनुष्य को क्या देना चाहता है पता है, 26 वचन में ही रिस्टोर्स टू मैन हिज राइटियसनेस। आपके पास में जो लोग इंग्लिश बाइबल पर इस्तेमाल कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, ये हिज राइटियसनेस के सामने एच कैपिटल है क्या, एच कैपिटल है, कोई है जो इंग्लिश में पढ़ रहा है आपके यहाँ पर, राइटियसनेस के आगे 26 वचन में हिज राइटियसनेस में एच कैपिटल है ना, है तो हाथ ऊपर उठा सकते हैं जी, नहीं है, 26 वचन, ही शैल प्रे टू गॉड एंड ही विल डिलाइट इन हिम, ही शैल सी हिज फेस विथ जॉय एंड ही रिस्टोर्स, ये ही रिस्टोर्स में भी एच जो है ये कैपिटल है, और टू मैन हिज राइटियसनेस में भी हिज जो है ये एच कैपिटल। मतलब क्या, ये परमेश्वर जो है, परमेश्वर मनुष्य को उसकी धार्मिकता देता है, उसकी, किसकी, परमेश्वर की धार्मिकता देता है, परमेश्वर की। तो अय्यूब को परमेश्वर क्या देना चाहता है, अय्यूब को परमेश्वर अपनी धार्मिकता देना चाहता है, अपनी धार्मिकता उसमें स्थापित करना चाहता है। लेकिन अब तक अय्यूब में समस्या क्या है पता है, अय्यूब परमेश्वर की धार्मिकता को पाने के बजाय अपनी धार्मिकता से जीवन जी रहा है, परमेश्वर के सामने अपने आप को सच्चा ठहराते हुए, अपने आप को धर्मी ठहराते हुए जीवन जी रहा है, इसलिए अय्यूब दर्द और पीड़ा से ही होकर गुजर रहा है। परमेश्वर इस दर्द और पीड़ा के द्वारा गुजरते हुए अय्यूब को क्या सिखाना चाहता है, अय्यूब तू सच्चा नहीं है रे, तुझमें कोई धार्मिकता नहीं है, तू कौन सी चीज है जो मेरे पास में लेकर आएगा और मेरे सामने खड़ा रह पाएगा, कुछ नहीं है, तुझमें कोई धार्मिकता नहीं है, तुझमें मेरी धार्मिकता होनी चाहिए, मेरी, तेरी धार्मिकता मेरे सामने टिकी रह ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे परमेश्वर इसे स्थापित करना चाहता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे फिर इसके बारे में और बात करेंगे, 27 वचन, वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। क्या कहता है वो व्यक्ति जो जान लेता है, जो जिस व्यक्ति में परमेश्वर की धार्मिकता स्थापित की जाती है, वो व्यक्ति गाने लगता है, गवाही देने लगता है, बोलने लगता है कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको ही मैंने उलट पुलट कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे उसका बदला मुझे नहीं दिया गया। मतलब उस पाप का जिम्मेदारी, मैंने किए हुए पाप का जो कीमत है वो मुझ पर नहीं लगाया गया, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं दी गई,
मुझ पर उसकी कीमत उसकी मजदूरी नहीं लगाई गई। ये व्यक्ति गाना गाते हुए कहता है। 27 वचन को मैं इंग्लिश में फिर से पढ़ूंगा। Then he looks at man and says, I have sinned and perverted what was right and it did not profit me. मतलब परमेश्वर की धार्मिकता से मिला हुआ व्यक्ति यही गवाही दे सकता है कि मैंने आज तक जो किया, आज तक अपनी धार्मिकता को स्थापित करते हुए जिया हुआ जीवन सिर्फ सच्चाई को ठुकराने का जीवन था, सच्चाई को उलट पुलट करने का जीवन था, लेकिन इतना पापी होते हुए, इतना दुष्ट होते हुए भी परमेश्वर ने उसका कुछ बदला मुझ पर नहीं दिया, उसका कुछ दंड मुझ पर नहीं दिया और मुझे उसकी धार्मिकता दी है। भाई बहनों, परमेश्वर हर एक मनुष्य को जो चलाता है किस रीति से चलाता है पता है? परमेश्वर अपनी धार्मिकता मनुष्य के मन में स्थापित करना चाहता है। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर सच्चा है ये मन मनुष्य के अंदर स्थापित करना चाहता है, क्योंकि यही मन मनुष्य में शुरुआत में था जब वो अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ में रह रहा था। अदन की वाटिका में आदम के पास में क्या मन था? आदम के पास में अपने भले और बुरे का ज्ञान नहीं था। जो कुछ परमेश्वर कहे वही अच्छा है। गॉड इज गुड, परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर ने जो किया है वो अच्छा है। लेकिन जैसे उत्पत्ति के 3 अध्याय से क्या हो गया है, ये परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर ने किए हुए काम मनुष्य की नजर में बुरे दिखने लग गए, मनुष्य की नजर में गंदे दिखने लगे, दुष्ट दिखने लगे और मनुष्य अपने आप की नजर ये को रखने लगा, अपने भले और बुरे के ज्ञान से अपनी भलाई को बनाकर, अपनी भलाई को स्थापित करते हुए जीवन जीने लगा। ये मनुष्य का मन इस रीति से बाहर, तो इस मनुष्य को अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगाने वाला कौन है? कौन है? आइए इसी वचन के ऊपर से एक वचन हम पढ़ेंगे। हम रोमियो का 10 अध्याय खोलते हैं। इस वचन को हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन आज इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसको और समझने के लिए वचन पढ़ेंगे। रोमियो का 10 अध्याय दो, तीन और चार वचन भी पढ़ेंगे। जी सिस्टर रेजिना हमारे लिए पढ़ सकते हैं? सर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? हाँ जी पढ़िए। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीहा व्यवस्था का अंत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर पौलुस इस रोमियो के 10 अध्याय में क्या कहता है? मैं उनकी गवाही देता हूँ। यहाँ पर पौलुस गवाही दे रहा है। किसके बारे में गवाही दे रहा है पता है? इजरायलियों के बारे में गवाही दे रहा है। इजरायली लोगों के विषय में, यहूदी लोगों के विषय में बात कर रहा है। यहूदी लोग जिनके पास में यीशु आया, यीशु जन्मा, यीशु इसराइल में यहूदी लोगों के बीच में जन्मा, लेकिन फिर भी यहूदी लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया। क्या कारण है? उनकी गवाही कैसे देता है पौलुस की उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। मतलब परमेश्वर के लिए धुन है, बहुत ही आस्था है, बहुत ज्यादा विश्वास है, धुन तो है लेकिन परंतु बुद्धिमानी के साथ में नहीं। आयुब के 1 और 2 अध्याय में अगर जब हम पढ़ते हैं, आयुब के मन में परमेश्वर के प्रति धुन है कि नहीं, आस्था है, परमेश्वर के प्रति बहुत ही अच्छा मन है, एक बहुत ही परमेश्वर के विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहने का, परमेश्वर पर विश्वास करके जीने का मन है। नहीं ऐसा नहीं है, धुन है लेकिन बुद्धिमानी के साथ में नहीं। बुद्धिमानी क्या है? हालांकि धुन तो है, आस्था तो है लेकिन बुद्धिमानी के साथ में नहीं। वो बुद्धिमानी के बारे में 3 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्या बुद्धिमानी है पता है? यहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए।
मतलब अपने आप को बहुत सही माना, अपने आप को बहुत धर्मी माना, अपने आप को बहुत ही अच्छा माना, इसलिए अपने आप की ही अच्छाई पर स्थापित रहकर, अपने आप की ही धार्मिकता पर स्थापित रहकर जीना चाहा, अपने आप की धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे, वो ऐसा करते करते परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए, परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार नहीं कर पाए। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी यह है भाई बहनों कि मैं मेरी धार्मिकता को स्थापित नहीं करके परमेश्वर को परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करूं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, आइए रोमियो का 3:4 हम खोलते हैं। रोमियो का 3:4 ये वचन मेरे लिए बहुत ही एक बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट वचन कह सकता हूँ, क्योंकि ये वचन मेरी असलियत को बताता है, इसलिए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। क्या कोई पढ़ सकता है? जी सिस्टर सुनीता पढ़ सकते हैं। पर राबते नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। यहाँ पर 3:4 में लिखा है, कदापि नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। ये हमारी असलियत है भाई बहनों, परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा है। और सबसे बड़ा झूठा कौन है पता है? मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। लेकिन आज लोग परमेश्वर को झूठा ठहरा कर अपने आप को सच्चा ठहरा रहे। आयुब परमेश्वर को झूठा ठहरा कर अपने आप को सच्चा ठहरा रहा है। ये इस वचन के बारे में आगे और गहराई से हम अध्ययन जरूर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो लिखी हुई बात है ये दाऊद के भजन में लिखी हुई बात है, भजन संहिता के 51 में। ये दाऊद के मन फिराव में बहुत विस्तार से इसको आगे और पढ़ेंगे, क्यों परमेश्वर दाऊद से ऐसे बातें दाऊद के मन में स्थापित हो गई, इसलिए परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रसन्न है। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है भाई बहनों? मैं झूठा हूं, मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी लेकर खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन आज कोई तो है जो हमें परमेश्वर के सामने अपनी किसी ना किसी चीज को लेकर खड़ा करने लगाना चाहता है। मैंने क्या किया है, मैं किस रीति से जिया हूं, मेरे काम मेरे कृत्य से एक नहीं। हम कोई भी परमेश्वर से परमेश्वर पर विश्वास ही करना चाहते हैं, सभी लोग परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन कोई तो है जो हमारे मन में ऐसे धूर्तता से काम करता है कि हम परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को स्थापित करने लग जाते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हुए जीते हैं। ऐसे जीवन जीते समय किसी को तो सुनकर हम ऐसा जीवन जीते, और परमेश्वर ऐसे हम जैसे जीवन जीने वाले व्यक्ति को सच में बताना चाहता है, कौन है तू मेरे सामने, क्या है तेरे सारे काम मेरे सामने, कुछ भी तो नहीं है। आयुब को भी परमेश्वर यही बताता है, कौन है तू मेरे सामने। जब एलिहू भी उसकी बातें खत्म करता है, एलिहू एक बहुत ही अद्भुत बात बताता है, उसको भी थोड़ा पढ़ते हैं, आज थोड़ा ज्यादा वचन हम पढ़ रहे हैं। आइए आयुब की पुस्तक में वापस आएंगे, आयुब उसका 35 अध्याय उसका 6, 7, 8 हमारे कोई पढ़ेगा? जी कोई और, सिस्टर रीना हमारे लिए पढ़ सकते हैं। यदि पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है, तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। जी हाँ, एलिहू जो है आयुब को यह बात समझाना चाहता है, तू कैसे परमेश्वर को प्रभावित करेगा, परमेश्वर निर्माण करता परमेश्वर वो तेरे किस चीज से प्रभावित होता है, असलत में किसी भी नहीं, किसी भी चीज से, मेरे कौन से काम है, मेरे कौन से कृत्य है, कर्म है जो परमेश्वर को प्रभावित करते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है पता है? मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ, परमेश्वर के द्वारा बनाया हूँ, शुरुआत से इस उद्देश्य से बनाया गया कि मैं परमेश्वर को अपने मन में रखते हुए जीऊं, मन में रखते हुए जीऊं। हम बिल्कुल उस हैंड ग्लव्स की तरह, आपने कभी ग्लव्स देखे, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, मतलब जो अलग अलग प्रकार के हैंड ग्लव्स होते हैं, कभी कभी ठंडी में हम हैंड ग्लव्स पहनते हैं ऐसे, तो हैंड ग्लव्स क्यों बनाए गए हैं, कहां पर पहनने के लिए,
हाथों में ना, हाथों में पहनने के लिए बनाया है। लेकिन कभी कभी आपने हैंड ग्लव्स को सिर पे पहना है या फिर पैर में पहना है। अगर समझो आप हैंड ग्लव्स को पैर में पहने और घूम रहे हो, अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी, वाह हैंड ग्लव्स कितना अच्छे से है, मेरे पैर में बैठ गया है, कितना अच्छे से रह रहा है। नहीं ना, ये जो ग्लव्स होते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं, हाथ हाथ के मोजे, हाथ के मोजे पता नहीं, लेकिन उससे उस ग्लव्स को हाथ में ही पहनने के लिए बनाया जाता है। मुझे याद है बचपन में हमें क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता था, लेकिन क्रिकेट की कोई भी ऐसी अच्छी बैट हो या बॉल हो या कुछ भी नहीं था, तो मुझे विकेट कीपिंग करने के लिए बहुत पसंद आता था। तो विकेट कीपिंग करते हुए जब मैं टीवी पर देखता था विकेट कीपर के पास में ग्लव्स होते थे, वो पहने हुए ग्लव्स, तो मेरे पास तो ग्लव्स नहीं है, तो मैं क्या करता था, सॉक्स लेता था और सॉक्स को हाथ में पहनकर उसको ग्लव्स बनाकर क्रिकेट खेलता था। ये सॉक्स जो है पैर में पहनने के लिए बनाए गए, ग्लव्स हाथ में पहनने के लिए बनाए गए, उसको आप दूसरे किसी भी जगह पर इस्तेमाल करो, वो उस उद्देश्य से प्रसन्न नहीं हो सकते, हम खुश नहीं हो सकते। हम वैसे हमारा भी बनाने का उद्देश्य है ना, हम किस चीज के लिए बनाए गए, परमेश्वर को अपने अंदर रखकर जीने के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर के साथ में एक होकर जीने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने आदम और हवा को निर्माण किया। लेकिन इस उद्देश्य से हम भटक गए, इस उद्देश्य से भटक गए, पाप में गिर गए, पाप इस पाप में गिरने के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, अलग हो गए, उद्देश्य ही अलग हो गए। तो तब से हम कुछ भी क्यों ना करें, कुछ भी क्यों ना करें, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते, इवन हम खुद भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। आज परमेश्वर से अलग होकर, हालांकि हमारे बनाए जाने का उद्देश्य है परमेश्वर के साथ में रहकर जीने के लिए, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के शब्द को अपने मन में रखकर जीने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम उस शब्द से तो अलग हो गए और अपने आप के किसी चीजों के द्वारा, मेरे खुद की किसी चीजों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सच्चाई से, मेरे मैंने किए अच्छे कामों से, या फिर हमेशा ऐसे सोचते मेरे किसी कामों से मैं परमेश्वर से दूर होता हूं। इस तरीके से अपने आप से प्रभावित होकर जीवन जीते हैं हम। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है, तू कुछ भी नहीं है, मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर, मैं मेरी धार्मिकता को तेरे अंदर स्थापित करना चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है। जो धार्मिकता उत्पत्ति के पहले अध्याय में आदम में थी, जो परमेश्वर का शब्द आदम के मन में था, वो शब्द परमेश्वर आज हमारे मन में स्थापित करना चाहता है, अय्यूब के मन में स्थापित करना चाहता है, हर एक के मन में, वो परमेश्वर की धार्मिकता। लेकिन उस धार्मिकता को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, रोमियो के 10 अध्याय में लिखे होने जैसे, वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी धार्मिकता। इसलिए कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हुआ ही नहीं। अय्यूब अपनी धार्मिकता, अय्यूब के जैसा धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है ना, अपनी धार्मिकता, अपने आप को इतना सही कहने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। ये परमेश्वर उसको क्या दिखाना चाहता है, तू सही है क्या, सच में तुझे सब पता है क्या, तू सच में इतना सही है क्या, इतना धर्मी है क्या, इतना धर्मी है, मैं सच में, मैं एक बात जान सका परमेश्वर के सामने, मैं झूठा हूं, झूठा परमेश्वर मैं झूठा हूं, मुझे जो लगता है, मुझे जो महसूस होता है, मैं जो सोचता हूं, ये सब झूठ है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, परमेश्वर आप जो बोलते हो वो सत्य है, आपने जो कहा है वो सत्य है, ये बात परमेश्वर हमारे मन में स्थापित करना चाहता है, समय मांगता हूं। परमेश्वर अपने आप को स्थापित करना चाहता है, ना कि हमारे किसी कामों को। आज लोग अपने आप के द्वारा, खुद के किसी चीजों से परमेश्वर के सामने खड़े रहना चाहते हैं, इस बातों से परमेश्वर मन फिराने को लगाता है। आज जो अय्यूब के 33 अध्याय में हमने पढ़ा, एलीहू भी अय्यूब को यही कह रहा है, अय्यूब जब परमेश्वर तुझे गड्ढे में जानते हुए देखता है, तब अपने मध्यस्थ से कहता है कि मैं, मुझे इसके छुड़ौती मिल गई है, रैंसम मिल गया है। हम जैसे लोग जो नाश होने वाले लोग थे, जो गड्ढे में जा रहे थे, अनंत काल के उस गड्ढे में, अनंत काल के उस नरक की अग्नि में जाने वाले हम जैसे लोगों को भी परमेश्वर ने छुड़ा लिया और हमारे लिए भी उसको रैंसम मिला ना, छुड़ौती मिली ना, छुड़ौती। वो कौन छुड़ौती है, कौन है वो छुड़ौती, यीशु मसीह। वो यीशु मसीह की छुड़ौती पाने के बाद में परमेश्वर कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, तो मेरे साथ में एक है, मुझे छुड़ौती मिल चुकी है, मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा। तो तब वो व्यक्ति क्या जानता है, आह मैं सच में मूर्ख था, मैं अपने आप की धार्मिकता स्थापित करते हुए जिया, मैं सच्चाई को उलट पुलट करता हुआ जीवन जिया। सच्चाई परमेश्वर है, सत्य सिर्फ परमेश्वर ही है, लेकिन उस सच्चाई को, उस परमेश्वर के शब्द को उलट पुलट करते हुए मैंने जीवन जिया और परमेश्वर के बजाय अपने आप को स्थापित किया, ऊपर उठाया। असल में आज मैं ये बात करना चाहता था कि कौन है जो हमें परमेश्वर से ऊंचा उठाने लगाता है।
कौन है वो? शैतान। शैतान हमारे मन में बहुत धूर्तता से काम करता है भाई बहनों। हालांकि ऐसा लगता है हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन धीरे 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 करते हुए शैतान हमें खुद पर विश्वास और भरोसा करने का मन इतना बोता है कि हम ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जो बहुत आसानी से शैतान के द्वारा बोले हुए शब्दों को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर अय्यूब एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां पर भले कोई भी उसको क्यों कोई कुछ ना बोले, कुछ क्यों ना बोले, उसको सिर्फ यही पता है मैं सही हूं। इस स्थान तक शैतान ने उसको पहुंचा, क्यों? अपने कामों को देखते हुए, अपने कर्मों को देखते हुए, मैंने कितने अच्छी रीति से जिया हूं, इस कामों को और कर्मों को देखते हुए अय्यूब इतना सही बन चुका है, इतना सही बन चुका। मैं भी मेरे जीवन में बहुत सही बनकर जीवन जिया। उद्धार पाने से पहले भी मैंने जैसे बताया, मैं हमेशा अपने आप को बहुत होशियार मानता था, जीनियस ऐसा मानता था। जीनियस हूं तो नहीं, कुछ आता भी नहीं है सही रीति से, लेकिन अपने आप को बहुत होशियार मानते हुए जीवन जिया। पढ़ाई में भी मैं बिना पढ़ाई करके पास हो सकता हूँ ऐसा सोचा, लेकिन ऐसे सोचते हुए जब जिया परमेश्वर ने मेरी असलियत मुझे दिखा दी। मैं 12वीं की परीक्षा तक नहीं दे सका, परीक्षा तक नहीं दे सका, क्यों पता? डर गया, मैंने पढ़ाई नहीं की। तब मैं वीडियो गेम्स में गिर गया, कंप्यूटर गेम्स में गिरने के कारण मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। उस समय मेरे में डर आ गया, कहीं मैं इस बार परीक्षा दूंगा और फेल हो जाऊंगा तो क्या करूं, कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ हूं, अभी फेल हो जाऊंगा तो क्या करूं। इस डर के मारे मैंने परीक्षा भी नहीं दी, परीक्षा नहीं दी लेकिन सभी लोगों को धोखा जरूर दिया, क्योंकि मेरा खुद का नाम है ना, मैं जीनियस करके पहचाना जाता हूँ। पता नहीं दूसरे लोग ऐसा कहते थे कि नहीं, लेकिन मैं अपने मन में तो अपने आप को जीनियस कहता था, इसलिए दूसरे लोगों के सामने एक नाकामयाब व्यक्ति के तौर पर खड़ा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने सबसे झूठ बोलना शुरू किया। हालांकि मैंने 12वीं की परीक्षा नहीं दी, लेकिन सबको बोला मैंने 12वीं की परीक्षा दे दी है और मेरे कॉलेज में मैंने दूसरा रैंक लाया है, दूसरा, परीक्षा नहीं दी लेकिन दूसरा रैंक लाया। दूसरा रैंक क्यों कहा? क्योंकि पहला रैंक कहना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए दूसरा रैंक कहा। और मुझे 92% मार्क्स मिले हैं, जो परीक्षा दी ही नहीं उसके लिए 92% मार्क्स मिले हैं। इस प्रकार से धोखा देते हुए मैंने जीवन जिया, झूठ बोलते हुए जीवन जिया। झूठ बोलना आसान नहीं होता, झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक जब झूठ बोलते हैं तो उसके पीछे उसको छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इतना अपने आप पर भरोसा करने के कारण मैं ऐसी दशा में पहुंच गया कि जहां पर सच में लोगों से मिलना नहीं चाहता था मैं, कोई मेरे दोस्तों से बात भी नहीं करना चाहता था। क्यों? कोई तो मुझसे पूछ लेगा तू क्या कर रहा है इन दिनों में, क्या चल रहा है तेरा, ये पूछ लेगा। इस डर के मारे मैं किसी से मिलता नहीं था। इतना खुद पर के भरोसे ने मेरे जीवन को इतना तकलीफ में, इतना नाश की ओर लेके गया। उसमें परमेश्वर ने दिखाया, देख ये 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 रिजल्ट है तेरा खुद पर विश्वास और भरोसा करने का। किसी ने तो मेरे मन को इतना ऊंचा उठा दिया, ये सोचने लगा कि मुझ जैसा कोई और है ही नहीं, मेरे अलावा दूसरा कौन है। ये बाइबल में कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, मेरे अलावा दूसरा कौन है। उनमें से एक है राजा नबूकदनेस्सर, जो बेबीलोन का राजा जब बनता है वो कहता है मेरे अलावा दूसरा कौन है। परमेश्वर उसको जानवर बना देता है और जानवर बनाकर घास खाने लगाता है। जो वो कहता है मेरे अलावा दूसरा कौन है, क्योंकि वो मन किसका मन है जो उसको ये कहने लगाता है मेरे अलावा दूसरा कौन है? शैतान का मन है। शैतान ने आदम के मन में भी ये मन डाला, मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं। इसके विषय में मैं विस्तार से बात करना चाहता था लेकिन थोड़ा समय ही बचा है हमारे लिए, संक्षिप्त में बताऊंगा। बाइबल में शैतान की पहचान दिए जाते समय यज्कल के 14 अध्याय में भी, यशया के 14 अध्याय में भी इस प्रकार से उसको लिखा गया है कि ये लूसिफर, ये शैतान जो है, ये सब स्वर्गदूतों का मुखिया था, मतलब मुख्य स्वर्गदूत था, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ गया एक मन को लेकर। कौन सा मन? मैं परम प्रधान के तुल्य बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा। ऊंचा उठने का ये मन, ये ऊंचा अपने आप को स्थापित करने का ये मन किसी और का नहीं, शैतान का मन है, जिसको लेकर वो परमेश्वर के खिलाफ गया और उसी मन को उसने मनुष्य में बोया, आदम में बोया, तू परमेश्वर के समान हो जा, आदम और हवा में बोया। और उस भले और बुरे का फल जो खाने लगाया, उसको खाने लगाते समय में भी क्या कहा उसने, तुम अगर इसे खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे, परमेश्वर के जैसे बुद्धिमान बन जाओ। इस मन से, ये मन है अपने आप को स्थापित करने का मन, अपने आप को परमेश्वर के समान करने के मन ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। और आज भी उसी मन से हम खींचे जाते हैं अपने आप को स्थापित करने का, मेरे अलावा कौन है,
पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ऐसा डायलॉग बोला होगा, लेकिन जितने लोगों ने भी बोला है मुझे पता है परमेश्वर ने आपको सबको जानवर बना दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, एक जानवर बना दिया जो अपनी अपनी सोच पर जीत नहीं सकता, अपने आप बिल्कुल एक एबनॉर्मल व्यक्ति, एक एबनॉर्मल की तरह जीने वाला ऐसा व्यक्ति बना दिया। क्यों? खुद पर भरोसा करने का यही नतीजा है। उस समय में परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार सुनाया, उस समय परमेश्वर ने मुझे एक रिट्रीट में शामिल होने का मौका दिया, जिसमें पहली बार मैंने यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है उसको सुन सका, और उसको सुनकर वो मेरे जीवन का एक ऐसा बदलाव का क्षण बना। मैंने कुछ नहीं किया, बस वचन पर विश्वास किया, अपने आप पर भरोसा करके थक चुका था, अपने आप पर भरोसा करके बर्बाद हो चुका था, इसलिए अब और अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, परमेश्वर ने कही हुई बात पर भरोसा किया। पहली बार परमेश्वर ने उसका मन मुझे दिखाया वचनों के द्वारा, और उस वचन को देखकर उसका इनकार ही नहीं कर सका। इसका मैं कैसे इनकार करूं? ये परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर आप सच्चे हो, मैं झूठा हूं, मैं आपके सामने क्या कह सकता हूं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने अपने आप को सच्चा कहते हैं, क्यों पता है? अब तक जानवर नहीं बने हैं, अब तक नीचे गिराए नहीं गए हैं। जब नीचे गिराए जाते हैं तब जान सकते हैं, मैं सच में झूठा हूं परमेश्वर, अब मैं अपने आप पर भरोसा करके क्या कर सकता हूं। अय्यूब भी इस स्थान तक पहुंचा। अय्यूब के 42 अध्याय में अय्यूब कहता है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता, मैं मूर्ख हूं, मैं अनजाने में ज्ञान नहीं था, और मैंने तेरी इस ज्ञान को, तेरी युक्ति को बिगाड़ने का काम किया। उसकी युक्ति क्या है पता है? उसकी बुद्धिमानी क्या है पता है? वो उसकी धार्मिकता को मेरे अंदर स्थापित करना चाहता है, लेकिन मेरे अंदर उस युक्ति को बिगाड़ने के काम हुए। मैं उसकी धार्मिकता ने अपनी धार्मिकता को स्थापित करते हुए जीवन जी, अपनी धार्मिकता को स्थापित करते हुए परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ने वाला व्यक्ति बना, परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति बना। उस समय परमेश्वर ने एक वचन देकर मुझे उद्धार की ओर लेके आया, एक वचन के द्वारा मेरे मन में उसके काम स्थापित किए। मैं वो वचन पढ़ना चाहूंगा, ये रोमियो का 4 अध्याय हम खोलते हैं, रोमियो का 4 अध्याय उसका 4 और 5 वचन का कोई हमारे लिए पढ़ेगा जी। सिस्टर रीना पढ़ सकते हैं, सिस्टर आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। काम करने वाला की मजदूरी देना दाम नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वचन है विशेष करके ये जो 5 वचन है ये मेरे मन में मुझे उद्धार की ओर लेके गया। मैंने पहली बार यीशु ने मेरे लिए किए हुए काम पर, सुसमाचार पर इस वचन के द्वारा विश्वास किया, और परमेश्वर ने दिखाया कि वो क्या चाहता है मेरे जीवन में। 4 वचन में लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। जो काम करता है, जो अपने आप को अपने कामों से धर्मी ठहराता है, उसको दान नहीं मिल सकता, उसको अनुग्रह नहीं मिल सकता, उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है सिर्फ। उसको हक से मजदूरी मांग सकता है, वो सिर्फ हक है उसका पाने के लिए। लेकिन मेरे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर निर्भर रहकर मैं हक से मांगू, परमेश्वर मुझे दे दो ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं 5 वचन के जैसे लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, परमेश्वर के सामने सही रीति से खड़ा नहीं रह सकने वाला व्यक्ति हूं, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है और उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। मैं कौन सा इंसान हूं? मैं भक्तिहीन हूं, भक्तिहीन जिसमें कोई भक्ति के काम नहीं, जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है, परमेश्वर के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं, ऐसा इंसान मैं था भाई बहनों। मैं एक नास्तिक था, ऐसा भक्तिहीन था। लेकिन मुझ जैसे भक्तिहीन को परमेश्वर क्या कहता है? भक्तिहीन भी धर्मी बनता है, भक्तिहीन भी धर्मी बनता है, राइटियस बनता है। कैसे बनता है? 5 वचन लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर, भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाला एक है, आपको पता है? भक्तिहीन को, ऐसे दुष्ट को, पापी को, नास्तिक को, ऐसे गंदे पापी को धर्मी ठहराने वाला एक है। वो कौन है? कौन है? हमने अय्यूब के 33 अध्याय में भी पढ़ा था ना, परमेश्वर कहता है इसको गड्ढे से बचा ले, छुड़ा ले, मुझे छुड़ौती मिल चुकी है,
मध्यस्थ, मध्यस्थ किसे कहता है, ठीक है इसको छुड़ा ले, मुझे छुड़ौती मिल चुकी है। वो मध्यस्थ कौन है जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है? वो कौन है वो मध्यस्थ? वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह मेरे मुझे भक्तिहीन को, मुझ जैसे भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है। तो मैं कैसे धर्मी बनता हूं, मैं कैसे धर्मी बनता हूं? परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। विश्वास मतलब मैं भक्तिहीन हूं लेकिन मुझे धर्मी ठहराने वाले पर मैंने विश्वास किया। इसको समझाने के लिए मैं कुछ चीजों का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप आसानी से समझ सको। समझो मेरे पास ये दो कप है सामने, ये जो कप है ये भक्तिहीन है, भक्तिहीन मतलब पापी, इसका ढक्कन निकाल देता हूं मतलब समझ पाओ, ये भक्तिहीन है, एक पापी, एक दुष्ट, गंदा व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति, मुझ जैसा, पता नहीं आप जैसा कि नहीं लेकिन मुझ जैसा, तो ये वो भक्तिहीन है। लेकिन यहां पर एक है जो इस भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, धर्मी ठहराता है। ये कौन है? ये वो मध्यस्थ है, यीशु मसीह। असल में इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो एक यीशु मसीह कभी भी एक भक्तिहीन को धर्मी कह ही नहीं सकता। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर न्यायी न्यायाधीश है, ही इज जस्ट जज। वो कभी भी के एक धर्मी को पापी और एक धर्मी को पापी और पापी को धर्मी कहता ही नहीं है। फिर क्यों ये भक्तिहीन को धर्मी ठहरा रहा है? क्यों ये भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है? इसका जवाब 4:25 में लिखा है। अब मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आप भी पढ़ सकते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा था, 4:25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। क्योंकि ये हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और यही हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है, पुनरुत्थित हुआ है, ये जिलाया भी गया हमारे अपराधों के लिए, हमारे अपराधों के लिए मारा गया और जिलाया गया हमें धर्मी ठहराने के लिए। तो क्योंकि ये पुनरुत्थित हुआ, ये यीशु, ये मध्यस्थ, ये मुझे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया है, इसलिए ये जब मुझे देखता है कहता है तू भक्ति ही नहीं रहे, तू धर्मी है, ऐसा कहता है। ये मुझे धर्मी कहता है क्योंकि ये मेरे अपराधों के लिए मारा गया और ये मुझे धर्मी ठहराने के लिए जिया है, परमेश्वर की धार्मिकता देने के लिए जिलाया गया है। ये यीशु, उसने मुझे परमेश्वर की धार्मिकता दी गई। तो यीशु तो मुझे धर्मी ठहराता है लेकिन मैं कब धर्मी बनता हूं? मैं कब धर्मी बनता हूं? जब मैं इस पर विश्वास करता हूं, भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता हूं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में ऐसे जीते हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हुए मिला। जब सुसमाचार बताया जाता है यीशु ने आपको धर्मी बनाया है तो लोग खुशी से स्वीकार करते हैं, हाँ धर्मी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब अभी हमको चाहिए वैसा जी सकते हैं, इस रीति से सुनते हैं, इस रीति से स्वीकार करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई बहनों। सुसमाचार पर विश्वास करना मतलब बस अपने आप को धर्मी कहना नहीं, अपने आप को बस मैं धर्मी हूं ये बोलना सुसमाचार पर विश्वास करना नहीं है। धर्मी कहना होना मतलब क्या है? पर क्या किस रीति से हम धर्मी बनते हैं? धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करना है। समझ पा रहे हैं आप किस पर विश्वास करना है? मैं धर्मी हूं इस बात पर विश्वास नहीं करना है, धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करना है। वो धर्मी ठहराने वाला, वो परमेश्वर, वो यीशु, उस पर मुझे विश्वास करता है। वो मुझे धर्मी कहता है इसलिए मैं धर्मी हूं, अगर वो मुझे पापी कहता है तो मैं पापी हूं, अगर जो कुछ वो कहेगा वो सत्य है। रोमियो के 3:4 के जैसा, परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा। तो मैं धर्मी इसलिए नहीं हूं कि मैं अपने आप को धर्मी कहता हूं या फिर मैं धर्मी हूं ऐसा विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा इसलिए मैं धर्मी हूं। आमीन। परमेश्वर ने कहा इसलिए मैं धर्मी हूं, तो मैं उस पर विश्वास करना है, मुझे धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करना है। आज बहुत सारे भाई बहन मैं धर्मी हूं इस बात पर तो विश्वास करते लेकिन उसके बाद में किस पर विश्वास करते हुए जीते पता है? अपने आप पर। धर्मी ठहराने वाले को छोड़ देते हैं, जाने दो, वो उसने धर्मी ठहराया, मैं धर्मी बन के बस अब जा रहा हूं ना स्वर्ग में, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें धर्मी क्यों ठहराया? हमारे साथ में जीने के लिए। जो उत्पत्ति के पहले अध्याय का जो जीवन था वो जीवन हमारे साथ में बिताने के लिए हमें धर्मी ठहराया है ना। ये धर्मी बनना ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत आत्मिक जीवन की शुरुआत है। तो हमने हमारे जीवन में क्या सीखना? मुझे धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करना, ना कि मैं धर्मी हूं, धर्मी ठहराने वाले पर, the one who justifies, जो मुझे धर्मी ठहराता है, उस पर विश्वास करके मेरा आत्मिक जीवन हम जी सकते हैं। मेरे जीवन में भी मैं जान सका, मैं ये नास्तिक था जो कभी मान ही नहीं सकता था कि मैं धर्मी हूं। मैंने ऐसे काम किए, ऐसे कांड किए कह सकता हूं कि जिसमें मैं अपने आप को देखकर बस
परमेश्वर के सामने मैं दुष्टी हूं यही कह सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे कहा, तू बता मैंने तुझे धर्मी कहा है तो तू मुझ पर विश्वास करेगा क्या? उस दिन मुझे लगता है शायद से 25 मार्च या कुछ ऐसा दिन था 2009 साल में, उस दिन पहली बार मैंने इस बात पर विश्वास किया, हाँ प्रभु आप अगर मुझे धर्मी कहते हो तो मैं धर्मी हूं, आप कहते हो इसलिए मुझे नहीं लगता, मुझे महसूस नहीं होता, मैं देख भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता, कुछ नहीं, लेकिन प्रभु मैं अपने आप पर विश्वास करके परेशान हो चुका हूं, मैं बर्बाद हो चुका हूं, अभी मैं अपने आप पर नहीं आप पर विश्वास करना चाहता, अगर आप मुझे धर्मी कहते हो तो मैं धर्मी हूं, आप पर मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने मेरे मन को अपने आप से फिराकर परमेश्वर की ओर लाया, तो तब से लेकर मेरी गवाही बदल गई, मेरी गवाही यही बन गई, मैं मेरी दुर्बलताओं में घमंड करने वाला व्यक्ति बन गया, मैं मेरे दुष्टता को प्रकट करने वाला व्यक्ति बन गया, जो झूठ मैंने इतने समय से छिपा कर रखा था उस झूठ को खुलकर बताने वाला व्यक्ति बन गया, क्यों? क्योंकि इस मेरी दुर्बलता के कारण मैंने उद्धार पाया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया मैं कितना दुष्ट व्यक्ति हूं और उसके मेरी इस दुष्टता को दिखाकर उसने मुझे उद्धार दिया। और जैसे पौलुस कहता है मैं मेरी दुर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, मैं भी मेरी दुर्बलताओं पर घमंड करता हूँ क्योंकि मैं दुर्बल हूँ, मुझ में निर्बलताएं हैं, इसलिए तो मसीह मेरा प्रभु बनाना, इसलिए तो मसीह मेरे साथ में है, इसलिए तो मसीह जो सर्वशक्तिमान है, जो हर एक बात को कर सकने वाला ऐसा मसीह मेरे साथ में है, मेरी दुर्बलताओं पर घमंड ही कर सकता हूँ, तो मेरी दुष्ट मैं दुष्ट हूँ लेकिन प्रभु ने मुझे धर्म किया इसलिए धर्मी हूं मैं। आयुब को भी परमेश्वर ये बात प्रकट करता है, आयुब पर भी परमेश्वर ये बात दिखाता है, तू सच्चा है क्या? सच में तू सच्चा है? बता फिर मेरे सवालों का जवाब दे। जब मैंने पृथ्वी बनाई तो तू कहां था? जब मैंने इस पृथ्वी की स्थापना की तो तू कहां था? तू इतना सच्चा है ना, बता बता। इस तरीके से परमेश्वर ने आयुब से बातें की। परमेश्वर ने आयुब को 41 अध्याय में एक जीव के बारे में, एक ऐसा जानवर के बारे में बात की, उसे हिंदी में भी लेवियाथन कहा गया है। लेवियाथन एक बहुत ही बड़ा शायद से मगर के जैसा इस प्रकार सा एक पुरातन ऐसा जीव है, जिसके बारे में दिखाते हुए कितना खतरनाक है, कितना दुष्ट है, इस बारे में दिखाते हुए आयुब के मन को दिखा रहा है। उस लेवियाथन के जो स्केल्स है वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए कभी अलग नहीं हो सकते। आयुब के मन को परमेश्वर ने दिखाया, तू शैतान के साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसे तो अलग नहीं हो सकता, तू उसकी सुनते हुए जी रहा है, उसकी सुनते हुए जीकर अपने आप को धर्मी कहते हुए, अपने आप को सही कहते हुए जीता है। आयुब के 39, 40, 41 अध्याय में परमेश्वर आयुब को दिखाता है, तू कितना गलत है, तू गलत है ना, इस बात को मानने लगाता है। और जब आयुब इस बात को मानता है कि मैं गलत हूं, तो वो क्या कहता है पता है? आज जो मुख्य वचन हमने पढ़ा था उसमें हम वापस जाएंगे, आयुब का 42 अध्याय। क्योंकि जिसने अपनी धार्मिकता का नतीजा जाना और परमेश्वर की धार्मिकता को जान लिया, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हुआ, ये 42 अध्याय पढ़ने से पहले हम एक और वचन पढ़ेंगे 33 अध्याय में से, और फिर यहां पर जाएंगे 33 अध्याय में से 26 और 27 वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 33 अध्याय में से 26 और 27 वचन, फिर 42 अध्याय में जाएंगे। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को जो का त्यो धर्मी कर देगा। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। जो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, 26 वचन में भी लिखा है ना, और वह मनुष्य को जो का त्यो धर्मी कर देगा। वह कौन है? ये परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य को जब धर्मी ठहराता है, परमेश्वर जब उस मनुष्य को धर्मी ठहराता है, उस व्यक्ति उस मनुष्य को जब परमेश्वर उसके प्रति में छुड़ौती पाता है, रैंसम पाता है और उसको धर्मी ठहराता है, वो धर्मी ठहराए व्यक्ति की गवाही क्या होती है पता है? धर्मी ठहराए व्यक्ति की गवाही होती है कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। मैं दुष्ट हूं, मैं सच में दुष्ट हूं, मैं सच में गंदा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसमें से बचा लिया, उसका बदला, उसका दंड मुझ पर नहीं दिया। आइए 42 अध्याय में भी पढ़ेंगे, 42 अध्याय 42, आयुब का 42 अध्याय एक वचन से। तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैं तो
परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरे समझ से बाहर थी, जिनको जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। इन वचनों में आयुब मान रहा है, परमेश्वर सच में मैं कितना गलत इंसान हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो, परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। आयुब ज्ञान रहित है, उसको पता नहीं है। जैसे रोमियो के 10 अध्याय में लिखा है कि उनमें उनके पास में परमेश्वर के प्रति धुन तो है, लेकिन बुद्धिमानी के अनुसार नहीं। आयुब वो ज्ञान रहित व्यक्ति है जिसमें वो बुद्धिमानी नहीं है, जो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होने के बजाय अपनी धार्मिकता को स्थापित करते हुए जीवन जीता है। 6 वचन में पढ़ना चाहूंगा, 6 वचन को आप सब लोग भी आपस में पढ़िए, आप खुद भी पढ़िए, हम सब एक साथ पढ़ेंगे ये 6 वचन, आयुब का 42 अध्याय का 6 वचन। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर से मिला वो ये गवाही दे सका, मुझे अपने आप से घृणा आती है, मैं अपने आप से घृणा करता हूं, द्वेष करता, नफरत आती है। ये मैं नाम ने मुझे धोखा दिया है, इससे अभी मैं घृणा करता हूं। पहचान पा लेता है कि मुझे आज तक धोखा देने वाला कौन है, और अपने आप से नफरत करने लगता है और धूल और राख में पश्चाताप करता है। परमेश्वर सच में मैं आपके सामने खड़े रहने लायक नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता दिया हुआ व्यक्ति यही कहता है, मैंने सच्चाई को उलट पुलट किया। सच में मैंने सच्चाई को उलट पुलट किया, मैं सच्चाई को नहीं जानता था, मैं ज्ञान रहित होकर बातें कर रहा था, अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की बातें कर रहा था। भाई बहनों, हम ये कितना समय तक अपनी धार्मिकता को स्थापित करते आए ना, अभी समय है हमारी धार्मिकता को नीचे रखकर परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होने के लिए। मैं कौन हूँ परमेश्वर के सामने, मैं क्या हूँ परमेश्वर के सामने, मैं क्या सच्चा हूँ, मैं क्या इतना होशियार हूँ, अपने आप को होशियार मानकर क्या लाया मैंने, सिर्फ बर्बादी, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ दर्द। लेकिन लोग आज भी धोखा खाते हुए इस अपने आप को सत्य, अपने आप को सच्चा बताते हुए इस मार्ग पर चलते हैं, सिर्फ अंत में मृत्यु ही मिलता है। तो मैं सच में आशा करता हूँ हमारे भाई बहन भी इस आयुब के मन फिराव के द्वारा बहुत कुछ सीखे होंगे, जाने होंगे मैं कौन हूँ परमेश्वर के सामने, ये जाने होंगे। या ये व्याख्यानों को या फिर ये अध्ययन जो हम कर रहे हैं, ये किसी ज्ञान को पाने के लिए नहीं, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख कर जांचने के लिए कर रहे हैं। मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मेरा मन फिराव क्या है, मैं किस रीति से जीता आ रहा हूँ, इस बात को इन डिटेल बाइबल के द्वारा सीखने के लिए हम कर रहे हैं। तो आज के इस व्याख्यान को मैं इतना ही समाप्त करूंगा, और बहुत सारी बातें हैं जो हमने बात करनी तो चाहिए, लेकिन समय भी हमारे पास में सीमित है, इसलिए हम इतना ही बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कल दोबारा आपसे मिलकर आपके द्वारा आपके साथ में और वचन बांट पाऊंगा। कल एक और अलग ऐसे विषय को, एक और व्यक्ति के मन फिराव और विश्वास को लेकर हम आपके साथ में आना चाहते हैं। हम कल कैन के विषय में बात करने वाले हैं, उत्पत्ति के 4 अध्याय में जो कैन है उसका मन फिराव किस प्रकार से था, उसको हम बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कल आपसे मैं दोबारा मिल पाऊँ और जुड़ सकूँ। आप हमारे हमारे जो नंबर्स है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे बातें कर, आपके स्क्रीन पर आप देखते ही होंगे ये जो नंबर है, इस पर चाहे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हो या हमारे ग्रुप में जुड़ने की जानकारी के लिए हो, कैसे भी हो, इस जूम मीटिंग की जो सारी लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम डालते हैं, दूसरे कहीं जगह पर नहीं डालते। तो अगर आप में से कोई भाई बहन है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मैं विनती करूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर जुड़िए। हमारे इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या मुझे भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ताकि जूम में आप हमारे साथ में जुड़ सके और साथ में इकट्ठा अध्ययन कर सके। भाई बहन, हम सच में बहुत आशीषित हुए हैं परमेश्वर के वचन से। क्या आप सच में परमेश्वर से आशीष पाए हैं परमेश्वर के वचनों से, तो अपना हाथ ऊपर उठाइए। जी, तो सच में हमने बहुत आशीष पाया है। तो मैं आशा करता हूँ आप आपके दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को, बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में हमारी जरूर मदद कीजिए, ताकि सुसमाचार और फैलाया जा सके। आखिर में आज समय बहुत चला जा चुका है, तो हम एक ही व्यक्ति की गवाही सुनेंगे और फिर आज का व्याख्यान खत्म करेंगे। क्या आप में से कोई है जो अपना मन व्यक्त करना चाहेगा, गवाही बांटना चाहेगा, ऐसा कोई है आप में से, तो अपना हाथ ऊपर उठा सकता है।
कुछ कुछ लोग जो अब तक कभी गवाही नहीं दिए हैं, आप भी इस समय में आपके मन को व्यक्त कर सकते हैं इन व्याख्यानों में, जैसे आप शामिल हो रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। YouTube से भी हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, आप भी कमेंट्स में आप जरूर हमें बताइए, और हमारे यहाँ पर के भाई बहन भी लोगों के सामने बता सकते हैं कि कैसे उनको परमेश्वर ने क्या मन दिया है इन व्याख्यानों के द्वारा। कोई है जो अपने मन को व्यक्त करना चाहेगा, थोड़ा सा अपने मन को बताना चाहेगा? जी सिस्टर सपना, आप बात कर सकते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं सिस्टर? जी 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 यस सिस्टर, आप बात कीजिए। मैं अपने आप को बहुत, मैं भी बहुत ही मतलब स्मार्ट समझती थी और मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे सब बोलते थे भी बहुत मतलब अच्छी हूँ, पर जैसे जैसे समय बीता गया मैं जान पाई कि मैं कितना दुर्बल इंसान हूँ और मैं अपना फेलियर धीरे धीरे सब देख पाई। चाहे मैं एक टीचर हूँ पर मैं हमेशा मतलब फर्स्ट क्लास ऐसे एमएससी पढ़ी हूँ और ऐसे मैं अच्छी हूँ ऐसे मैं समझती थी, पर अपने प्रोफेशनल इसमें भी मैं अच्छी नहीं रह पाई, ऐसे मुझे अभी परमेश्वर दिखा रहे हैं। और एक अच्छी बीवी या अच्छी माँ, मैं हर तरफ मैंने देखा कि मैं कमजोर हूँ और मतलब फेलियर हूँ और स्पिरिचुअल लाइफ में भी मैं बहुत ही मतलब दुर्बल इंसान और मैं सिर्फ नाश हो सकती हूँ अपने आप में अगर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मैं भी मैंने रियलाइज किया कि मैं सिर्फ नाश हो सकती हूँ और मैं आज बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि पास्टर ने आपने दिखाया कि, और मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं परमेश्वर ने मुझे गिराया, बहुत गिराया और मैं देख सकती हूँ कि मैं अपने आप में जाऊंगी ना तो जरूर मैं विनाश की ओर ही जाऊंगी और अगर मैं वचन के साथ जुड़ी नहीं रही तो मैं सिर्फ बर्बाद हो सकती हूँ और ये वचन ही मुझे आगे ले मेरे जीवन में मुझे मतलब कैन होल्ड मी, मुझे धरे रख सकता है। और अब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो भी मुझे मेरे मन में डर है कि अगर मैं परमेश्वर से दूर नहीं जा सकती, अगर मैं गई या अपने ये वचन से दूर हो गई तो डेफिनेटली मेरा हार्ट डार्कनेस में चला जाएगा। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे अगर वाक्य हमको ऑनलाइन भी मिलेगा तो हम लोग जुड़ित रह सकते हैं सच में। थैंक यू पास्टर सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत धन्यवादित है कि परमेश्वर हम सभी के मनों को प्रकट कर रहा है और दिखा रहा है। ये मन से, मन की दुनिया बहुत अद्भुत है, तो बाइबल में से जितना हम इसको सीखते हैं उतना और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जान पाते हैं कितना एग्जैक्ट है, सटीक है, हमारा मन भी उसी रीति से बहता है। तो मैं आशा करता हूँ इस मन फिराव और विश्वास इस विषय के द्वारा हम सभी लोग और ज्यादा आशीषित होंगे और ज्यादा अनुग्रह पा पाएंगे। तो आज के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, ये मूल्यवान समय आप हमें दे रहे हैं इस दर्द और पीड़ा के समय में भी, जब हम इकट्ठा होकर वचनों को सुन रहे हैं। असल में हम ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके सामने खड़े रह सकते, लेकिन आपने हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को किया है कि आपने हमें आपके सामने खड़े रहने लगाया है और देखने लगा है, विश्वास करने लगा है प्रभु। प्रभु, जब तक ये मन फिराव हमारे मन में सटीकता से नहीं होता, हम कभी भी आप पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए आपने बहुत ही मेहनत से हमारे जीवन में हमसे अपने आप को मन फिराने के लिए चलाया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन बातों के प्रति हमारे निर्बलताओं के प्रति, दुर्बलताओं के प्रति हम सच में घमंड करते हैं, इन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से सुबह 10 बजे हम जरूर मिलेंगे, तो आप सभी लोग समय पर आइए, हो सके तो समय से पहले आइए ताकि आप एडमिट उसमें आसानी से जुड़ सके और हम व्याख्यानों को अच्छे से सुन सके। तो फिर हम कल दोबारा मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।